in which atom or groups are added without eliminating of any other atom or group, or without removal of any atom or group, is called addition reaction. Addition reaction एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें किसी कंपाउंड में एटम और ग्रुप का एडिशन संभव होता है बिना किसी एटम और ग्रुप को डिस्प्लेस किए। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल के मदद से। जरा ध्यान दिया जाए, इथीन प्लस सीएल टू, यहां से एक पाई बॉन्ड टूटा, दो नए सिग्मा बॉन्ड, सीसीएल फोर के प्रेजेंस में ये दोनों सीएल इसी में ऐड हो गया। देख सकते हैं कोई भी एक भी एटम बाहर नहीं निकला। जब भी यह हुआ है तो दोनों एटम का एडिशन और आफ्टर एडिशन आप प्राप्त किए, वन टू डाइक्लोरोइथ है। उसी तरह से इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ एक पाई बॉन्ड टूटा और दोनों दो नए सिग्मा बॉन्ड बने, दोनों नए सिग्मा बॉन्ड पर HCl का H और HCl, H और Cl अटैच हो गया। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड में एटम और ग्रुप का एडिशन होता है बिना किसी एटम और ग्रुप के एलिमिनेशन के, बिना किसी एटम और ग्रुप के डिस्प्लेसमेंट से, ना ही एलिमिनेशन होता है और ना ही डिस्प्लेसमेंट किसी भी एटम और ग्रुप का किसी दूसरे एटम और ग्रुप द्वारा, केवल एडिशन ही एडिशन होता है। केवल आकर ये एटम हमेशा के लिए जुट गया और एक नया कंपाउंड कन्वर्ट। तो ये है एडिशन रिएक्शन। आप देख पा रहे हैं इस एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ये जो एडिशन रिएक्शन होता है कंप्लीटली इलिमिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। अब इस रिएक्शन को अच्छे से समझने का क्या स्टडी करते हैं, इथाइल क्लोराइड केवल अल्कोहलिक, ये क्या करता है, दो एडजेंट कार्बन से दो नए एटम और ग्रुप को डिस्प्लेस करता है, यहां से देखिए बल्कि इलिमिनेट करता है, तो H और Cl दोनों गायब हो गए, दो सिग्मा बॉन्ड मिलकर एक पाई बॉन्ड बना दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी कंपाउंड में एटम और ग्रुप दो लगातार कार्बन से इलिमिनेट हो रहा है, लोप हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि दो लगातार कार्बन पर दो नए एटम और ग्रुप आकर ऐड हो रहा है, इसमें इलिमिनेट हो रहा है तो इसमें ऐड हो रहा है। तो ये एक दूसरे का पॉजिटिव इसलिए है कि इसमें कोई चीज आकर, कोई बाहरी एटम आकर जुट ही जा रहा है, इसमें कोई बाहर ही निकल जा रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि इलिमिनेशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ एलिमिनेशन। यहां एक पाई बॉन्ड टूट रहा है तो दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यहां दो सिग्मा बॉन्ड मिलकर ये है डिफरेंस बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड इलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे नेक्स्ट क्लास में आप इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें सारा डिटेल दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि जो एडिशन रिएक्शन है ये थ्री टाइप्स का होता है। पहला है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। तो आपको बता दें कि पहले आप इस टाइप को तभी पढ़ सकते हैं जब आपके पास बेहतरीन नॉलेज हो कि व्हाट इज फ्री रेडिकल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो आइए पहले जानें फ्री रेडिकल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले पढ़ना होगा फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का फिजन, कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना, कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग, दो प्रकार का होता है, एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक फिजन क्या है, जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोनों एटम के बीच, यहाँ दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए हैं और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, तो इसी को कहते हैं होमोलिटिक फिजन। और जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम लेकर चला जाए, कोई एक ही एटम पर शिफ्ट हो जाए, तो इसी को कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। तो देखते ही आप समझ सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग रीजन में दोनों एटम के द्वारा लगाया गया है, एच के द्वारा और सी के द्वारा, लेकिन चला किधर गया, सीएल के द्वारा। तो ये हेट्रोलिटिक फिजन है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और समान वितरण होता है जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का, तो उसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन, और जब समान वितरण होता है दोनों बराबर बराबर तो होमोलिटिक। होमोलिटिक फिजन जब जब होता है तो फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं
इसके एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद जो नए केमिकल स्पेसिस का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, ये फ्री रेडिकल जो आज तक कभी नहीं देते। अब ज्यादा ज्यादा सीएल माइनस सीएल प्लस सीएल के बारे में ये तीनों से हटकर है सीएल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या देख सकते हैं या सीएल अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया एक एक। तो ये सब क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसको क्या पढ़ेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये काफी रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है, ये जल्दी से बॉन्ड बनाना चाहता है। ये फ्री रेडिकल्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स ट्राइमोनल शेप के होते हैं। आप इसको ओपन करिए, CH3 ओपन हो गया, सिग्मा 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 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा शेप आएगा, ट्राइमोनल। तो ये दीज आर अनस्टेबल इन नेचर, दीज आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड द शेप ऑफ फ्री रेडिकल्स इज ट्राइमोनल। तो ये सारे नॉलेज जो आपने गेन किया होमोलिटिक फिजन के दौरान जिस केमिकल स्पेसिस का जन्म हुआ फ्री रेडिकल, उसके बारे में। होमोलिटिक फिजन व्हेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस, देन दिस टाइप ऑफ फिजन इज कॉल्ड होमोलिटिक फिजन। हेटरोलिटिक फिजन जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से कोई एक ही और कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से ये इसी को बोलते हैं हम लोग हेटरोलिटिक फिजन। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब जब होता है तो दो केमिकल स्पेसिस का निर्माण होता है, कैटायन और एनायन। कैटायन को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और एनायन को न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अब आप जानने की जरूरत है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लव अफेक्शन। तो जो न्यूक्लियस के साथ लव अफेक्शन करेगा खुद पर कौन सा चार्ज रखेगा, जस्ट अपोजिट। तो प्लस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो ये खुद पर नेगेटिव चार्ज रखता है। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले केमिकल स्पेसिस हैं Cl-Br-OH-C2O4-CO3-NO3- जितना भी नेगेटिव लिगेंड्स पढ़े आप लोग सब न्यूक्लियो है, और जितना पॉजिटिव वाला पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है जिसके इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल का कभी ऑक्टेट नहीं पूरा होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहती है। देख लीजिए BCl3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, बी के बारे में पता लगाइए 2, 4, 6 क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आप सारा डिटेल शुरू से ले लीजिए। वैसा केमिकल स्पेसिस जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, वैसा केमिकल स्पेसिस जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव न्यूट्रल। ये पॉजिटिव चार्ज वाला तो आज के बाद याद रहेगा, साथ साथ जिस पर इसके सेंट्रल एटम पर ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल। अब आइए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वैसे केमिकल स्पेसिस जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और वैसे केमिकल स्पेसिस जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन डेंस इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है, जैसे H2O ऑक्टेट कंप्लीट है, दो लोन पेयर भी है, ऑक्टेट कंप्लीट है NH3 पर एक लोन पेयर भी है। तो जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है लेविस एसिड बेस से रिलेट करके इसका क्वेश्चन। तो लेविस एसिड बेस में क्या बताया थे 11th क्लास में, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड होता है। तो सभी कैटायंस, सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लेविस बेस। तो ये न्यूक्लियोफाइल, तो कोई एक को याद रखिए, को भूल जाइए कि सभी कैटायंस लेविस एसिड होते हैं। तो याद रहेगा कि सभी एनायंस लेविस बेस होते हैं। और जितना आप अभी गेन किए नॉलेज उसके अनुसार जल्दी जल्दी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए जाए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन होमोलिटिक फिजन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पेसिस इज ऑब्टेंड, इन होमोलिटिक फिजन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पेसिस इज ऑब्टेंड। ऑप्शन ए में फ्री रेडिकल्स, बी में न्यूक्लियोफाइल, सी में इलेक्ट्रोफाइल, नॉन ऑफ दीज। इन हेटरोलिटिक फिजन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पेसिस इज ऑब्टेंड,
न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बोथ नन बोथ फ्री रेडिकल्स इज sp2 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड sp3d हाइब्रिड क्या होगा sp2 हाइब्रिड इसे फॉर्म फ्री रेडिकल इज ट्राइगोनल न्यूक्लियोफाइल विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज इज न्यूक्लियोफाइल ऑप्शन Cl minus, Br minus, NH3 all. Answer होगा all. अगर थोड़ा सा नॉलेज कम होगा तो आप Cl minus और बस उतना ही तक रखिए. लेकिन आपके पास complete नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल भी न्यूक्लियोफाइल होगा. उसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल को क्या सकता है? जब भी following is इलेक्ट्रोफाइल. तो ऑप्शन H plus, BCl3 AlCl3 all तो होगा all AlCl3 में भी Al का ऑपरेट नहीं पड़ा. ये था आपका अलग से बेसिक क्लास जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझने में काफी हेल्प करेगा. तो चलते हैं आपके मेन क्लास की ओर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन स्टार्ट होने जा रहा है. द एडिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स विद द हेल्प ऑफ एक बार में एक मिनट में तीनों का डेफिनेशन याद कर लीजिए. द एडिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. द एडिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. द एडिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. एक मिनट में दोनों तीनों का डेफिनेशन आप याद रखेंगे. जो फ्री रेडिकल के मदद से संपन्न होता है फ्री रेडिकल, जो न्यूक्लियोफाइल के मदद से संपन्न होगा जो इलेक्ट्रोफाइल के मदद से संपन्न होगा इलेक्ट्रो. अब आप इसका सारा डिटेल आप समझने जा रहे हैं और ज्यादा समझना है इसके लिए तैयार कर लिया आप लोगों को ध्यान दीजिए. सबसे पहले फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. द एडिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. बेस्ट एग्जांपल है इसका एंटी मर्करी का रूल जो आप पढ़ कर आए हैं. आज इस रिएक्शन का मेकानिज्म पढ़ना है और 100% गारंटेड में 5 रिएक्शन है. पहला मर्करी का, दूसरा एंटी मर्करी का, तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चौथा उर्ज रिएक्शन और पांचवा लेवेंसन रिएक्शन. ये 5 रिएक्शन याद रखेंगे और एंडोल कंडेंसेशन भी जो कल पढ़ेंगे. तो क्या है एंटी मर्करी का रूल? वे एनी अनसाइमेट्रिकल रिएजेंट या ये कह सकते सॉरी वे unsymmetrical alkene is treated with any reagent in presence of organic peroxide the positive part of reagent becomes attached to that doubly bonded carbon atom which contains less number of hydrogen. यानी एंटीमर्करी का रूल आपको ये सिखाता है कि जब किसी अनसाइमेट्रिकल अल्किन का रिएक्शन किसी रिएजेंट से कराते हैं तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाकर ऐड होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है. इसके जस्ट अपोजिट मार्करी का रूल आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव पार्ट वहां ऐड होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है. तो आज जानने का दिन है, समझने का दिन है कि ये रिएक्शन कैसे संपन्न हुआ. इसके सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस का रिपोर्ट मेकानिज्म के माध्यम से लेकर आ रहे हैं हम सामने. ध्यान दे रहे हैं आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? फ्री रेडिकल एडिशन. किसके मदद से होगा? फ्री रेडिकल के मदद से आज के बाद कोई भी रिएक्शन होगा आगे तुरंत आने वाला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जो भी बेस है यहां दे दिए वहां इसका यूज करेंगे. ध्यान दें फ्री रेडिकल के मदद से आज के बाद ध्यान दीजिएगा कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन संपन्न होगा तो 3 स्टेप्स में संपन्न होगा. पहले स्टेप का नाम है इनिशिएशन जिसमें फ्री रेडिकल बनता है. दूसरे स्टेप का नाम है प्रोपोगेशन जहां फ्री रेडिकल अटैक करता है और तीसरे स्टेप का नाम है टर्मिनेशन जहां सभी फ्री रेडिकल फिर से आपस में संयोग करके टर्मिनेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल में मतलब समाप्त हो जाते हैं मॉलिक्यूल में टर्मिनेट कर जाते हैं फिर से जिससे बना है मतलब मॉलिक्यूल से ही फ्री रेडिकल बनता है और अंत में फ्री रेडिकल से सब कंबाइन करके मॉलिक्यूल बन जाता है. तो पहला इनिशिएशन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन.
प्रोपेगेशन फ्री रेडिकल का अटैक रिएजेंट पर, और तीसरा ट्रांसपीरेशन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। शुरू हो रहा है आपके सामने इनिशिएशन। आपको बता दें कि अभी जो रिएक्शन आप देखे यहाँ एरो पर लिखा था ऑर्गेनिक व्यवसाय, और आप इसको हल्के में ले रहे थे इसका क्या काम है, बस इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा। सच्चाई ये है कि इसी के प्रेजेंस के कारण ही ये पूरा रिएक्शन संपन्न हो पाएगा। अब इसका रोल जरा देख लीजिए, क्या लिखा हुआ था ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। आपको बता दें कि एक इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी एक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम यहाँ होमोलिटिक फिजन करवा रहे हैं, होमोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन हम यहाँ करा दिए, जल्दी बोलिए क्या बनेगा, OH। तो समझने में दिक्कत, तो जब आप इसको समझ सकते हैं तो आप इसको भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को भी समझ सकते हैं। तो दिक्कत तो बताइए, दो मॉलिक्यूल, दो फ्री रेडिकल बन गया, आगे दो लिखा हुआ। एक फ्री रेडिकल ले रहे हैं, ले लिए, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी होमोलिटिक फिजन होने जा रहा है। अगर ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर से खींच ले तो इधर से ऑक्सीजन शेयरिंग करके बन सकता है, लेकिन अब एक नया फ्री रेडिकल हम बना दिए। बेंजीन का फॉर्मूला बताया जाए, बेंजीन में से एक हाइड्रेट आया जाए, ये फिनाइल फ्री रेडिकल। ये फिनाइल फ्री रेडिकल कहां से आया है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, देयर पर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का एग्जांपल है बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसके प्रेजेंस में उल्टा काम होता है हाइड्रोजन जोड़ने का, पॉजिटिव पार्ट जोड़ने का। तो ये हमको फिनाइल फ्री रेडिकल दे दिया, यही फिनाइल फ्री रेडिकल तुरंत अब अटैक करेगा, यही फिनाइल फ्री रेडिकल अब अटैक करेगा रिएजेंट पर। यही हमारे पास रिएजेंट था, अब यहाँ होमोलिटिक फिजन होने जा रहा है। ये होमोलिटिक फिजन होने से ये जाकर ऐड हो जाएगा इसके साथ, यानी ये इस पर अटैक करता है ये फिनाइल फ्री रेडिकल, और H और C6H5 मिलकर क्या हो जाता है, और यहाँ पर एक नया फ्री रेडिकल बन जाता है Br। ठीक है, ध्यान से, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर जाए, क्या बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड बना दिया तो क्या बनेगा, C6H5, एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया C6S और Br3। अब Br फ्री रेडिकल तुरंत अटैकिंग पार्टिकल बनकर अटैक करना शुरू। तो जैसे ही अटैक करेगा तुरंत ये उस लायक अपने आप को बनाएगा, और ये भी होमोलिटिक फिजन करवाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा बताइए, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करके बॉन्ड बन सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका रह गया। सब कुछ एकदम क्लियर समझते चल जाएगी। दो इलेक्ट्रॉन था इस बॉन्ड में, एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और अब ये खुद फ्री रेडिकल बन गया। देख लीजिए, इस फ्री रेडिकल पर अब HBr का एक दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर अब अटैक करेगा, फाइनली नया बॉन्ड ये है प्लस। तो ये स्टेप था प्रोपगेशन का, जिसमें अंत अंत में पता लगा ये कौन सा फ्री रेडिकल बच गया, यही ब्रोमीन फ्री रेडिकल टर्मिनेशन में भाग लेगा। ठीक है, यही फ्री रेडिकल टर्मिनेशन में भाग लेगा, और ये Br फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके बोलिए दिक्कत। तो ये है टर्मिनेशन। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। दी एडिशन रिएक्शन विच कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक आने वाला है, दोनों का कांसेप्ट एक ही टाइप का बता दे रहा है। इसमें ऐसे रिएजेंट भाग लेंगे जिसका डिसोसिएशन होने पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों बनेगा, लेकिन पहले अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। याद रखिए ये रिएक्शन आप अपने इस 12th क्लास का अध्याय कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ चुका है। एस्टरडिहाइड का HCl से रिएक्शन, एस्टरडिहाइड हैलोजन हाइड्रोक्साइड बनता है जो आपके सामने है, और ये एस्टरडिहाइड हैलोजन हाइड्रोक्साइड कैसे बना बढ़िया से देख लीजिए, सब कुछ ऐड हो गया है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म आप पढ़ जा रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।